हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी IUD, इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म प्रमुखता पाए जाते हैं अपसादी चट्टानों में, इग्नियस रॉक में, रूपांतरणकारी चट्टान में या किसी भी प्रकार की चट्टान में। तो अवसादी चट्टानों में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अवशिष्ट जल की BOD निम्न में से किसकी यात्रा के आकलन से जानी जाती है। कुल कार्बनिक पदार्थ, जैव अपघटनीय पदार्थ या ऑक्सीजन की मुक्ति या ऑक्सीजन की खपत। तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरे का, ये होगा डी, ऑक्सीजन की खपत से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहां पर लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उपस्थित होता है। चार ऑप्शन है, चार में बताना है। पहला, स्तनधारियों की कोशिकाओं में, जीवाणु भोजियों में, जीवाणुओं में या पादप कोशिकाओं में। तो चौथे का जो ऑप्शन है सी नंबर, ये करेक्ट आंसर होगा जीवाणुओं में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की व्यवहारिक तीव्रता जिससे एक व्यक्ति बिना किसी असुविधा का सहन कर सकता है वो कितना डेसिबल। तो इसमें चार ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, वो होता है 17 डेसिबल। कितना डेसिबल? 17 डेसिबल। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक द्विसूत्री DNA अणु में दो रज्जुकों के क्षारक आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें लिख लीजिए हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव समूह के विकासीय इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइलोजेनी, ठीक है, फाइलोजेनी या फाइलोजेनी। अगला क्वेश्चन है, पूसा सुब्रा की एक रोग प्रतिरोधक किस्म है, किसकी रोग प्रतिरोधक किस्म है? तो ये फूल गोभी का जो रोग होता है उसका एक किस्म है, रोग प्रतिरोधक, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी बिंदी बिंदी व पक्षी एंडोथर्म या समतापी होते हैं। तो बताना है सभी स्तनधारी जो होते हैं पक्षी एंडोथर्म या समतापी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं, सही आपको मिलान करना है। तो आ और बा दिया हुआ है, तो मैं इसका बता देता हूं। जीन का जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये है आपका पहला नंबर, ठीक है। यहां पर मेसेल्सेस व स्टाल, थोड़ा सा वह स्टाल, ठीक है, मेसेल्सेस व स्टाल, ये जो आपका पांचवा नंबर ये होगा, सॉरी, पांचवा नंबर जो है दूसरे नंबर का होगा। तीसरा क्वेश्चन है, स्पंज आपको मिलाना है। तो ये जो आपका सी नंबर है, ये मतलब तीसरा नंबर। फिर अमरबेल, ठीक है, ये है पूर्ण परजीवी, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। और फिर स्पर्धी बहिष्कार, ये हो जाएगा पांचवा। तो सही जोड़ी, ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूं, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए उन्हीं चीजों को करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो जीवाणुजन्य यौन संचरित रोगों के नाम लिखना है। तो दो रोग के नाम लिखना है, सिफिलिस और दूसरा गोनोरिया। ये ऐसे रोग हैं जो कि जीवाणुजन्य यौन संचरित रोगों, मतलब यौन संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो रोग हैं सिफिलिस और गोनोरिया। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है, ठीक है, तो यह है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पाद में किया जाता है। तो नाम थोड़ा सा, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ठीक है, ये के हो गया। और दूसरा है पेनिसिलियम ग्रीसियो फलवम, ठीक है, पेनिसिलियम ग्रीसियो फलवम, थोड़ा नाम बड़े हैं यार, पेनिसिलियम ग्रीसियो फलवम। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड
डीएनए जीवाणु की कोशिका कला से होकर क्यों नहीं गुजर पाता? इसका कारण है क्योंकि डीएनए जो है एक जलरागी अणु है। डीएनए जलरागी अणु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आणविक खेती किसे कहते हैं या क्या है? इसका आप लोग परिभाषा लिख ले, ट्रांसजेनिक जंतुओं की मदद से औषधियों अथवा अन्य उपयोगी अणुओं का उत्पादन आणविक खेती कहलाता है। उत्तर क्या है? ट्रांसजेनिक जंतुओं की मदद से औषधियों अथवा अन्य उपयोगी अणुओं का उत्पादन आणविक खेती कहलाता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं की मदद से औषधियों अथवा अन्य उपयोगी अणुओं का उत्पादन आणविक खेती कहलाता है।